तो किसी भी YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वॉच टाइम को कंप्लीट करना होता है, और बहुत मेहनत करने के बाद हम इस क्राइटेरिया को कंप्लीट भी कर लेते हैं, लेकिन YouTube फिर भी हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारे चैनल की मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर देता है, और फिर से अप्लाई करने के लिए हमें 30 दिनों का इंतजार यहाँ पे करना होता है। तो आज की वीडियो में आपसे को बताने वाला हूँ उन सारी मिस्टेक के बारे में जो मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले आपको अपने चैनल पे यहाँ पे चेक कर लेनी है, ताकि आपका चैनल इजिली मोनेटाइज हो जाए और आप उससे अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग कर सको। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मोस्ट पॉपुलर वीडियो यानी कि जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं उनको यहाँ पे चेक कर लेना है, उनके थंबनेल को टाइटल को यहाँ पे अच्छे से देख लेना है, यानी कि आपने यहाँ पे कोई क्लिकबेट तो यहाँ पे नहीं किया है, आपको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे चेक कर लेना है। और यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आपने वीडियो में कोई वॉयलेंस तो यहाँ पे नहीं दिखाया है, और आपको इन सारी चीज़ों को आपकी लेटेस्ट 20 वीडियो है उनमें भी यहाँ पे चेक करना है, टाइटल थंबनेल डिस्क्रिप्शन, आपको ये सारी चीज़ों को वहाँ पर जो है चेक कर लेना है अच्छे से, क्योंकि YouTube टीम जब आपके चैनल को चेक करती है तो सबसे पहले वो आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो और जो लेटेस्ट वीडियो आती है उनको यहाँ पे चेक करती है। तो आपको किसी भी वीडियो में अगर कोई भी मिस्टेक लगे तो आपको उसको सीधा यहाँ पे रिमूव कर देना है, उसको प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड मत करना, आपको सीधा उसको डिलीट यहाँ पे कर देनी है। उसके बाद YouTube चेक करता है आपके चैनल के मेन थीम को, यानी कि आप अपने चैनल पर किस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं, आप किस कैटेगरी की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आपको केवल एक ही कैटेगरी की वीडियो यहाँ पे अपलोड करनी चाहिए अपने चैनल पर। काफी सारे लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि अपने चैनल पर अलग अलग कैटेगरी की वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कि एक कर दिया यहाँ पे कॉमेडी से रिलेटेड, एक यहाँ पे गेमिंग से, एक टैक्स से। तो इस तरह की आपको वीडियो अपलोड नहीं करने अपने चैनल पर। अगर आपने इस तरह से अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करके यहाँ पे रखा है तो आपको उनको यहाँ पे डिलीट करना होगा, वरना आपका यूट्यूब चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। उसके बाद यूट्यूब चेक करता है कि आपके चैनल पर सबसे ज्यादा वॉच टाइम कहाँ से आया है। अगर आपके यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा वॉच टाइम यूट्यूब सर्च, सजेस्टेड वीडियो और ब्रश फीचर से आया है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपके चैनल पर जो वॉच टाइम यहाँ पे आया है एक्सटर्नल सोर्स से, यानी कि व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, अगर इन सभी से आपके चैनल पर जो वॉच टाइम आया है फिर आपको अपने चैनल को मोडाइज करने के लिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो आता है वो है मिसलीडिंग मेटा डेटा। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर व्यूज़ पाने के लिए यहाँ पर जो अपने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे टैग्स यहाँ पे लगा देते हैं, काफ़ी बार यहाँ पे कॉमा लगा लगा कर भी यहाँ पर जो टैग्स यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसी को यहाँ पे मिसलीडिंग मेटा डेटा यहाँ पे कहते हैं। तो अगर आपने किसी भी वीडियो में यहाँ पर जो इस तरह के टैग्स यहाँ पे लगाए हुए हैं तो आपको चैनल को मोडाइज करने से पहले आपको इनको यहाँ पे रिमूव कर देना है, आपको थोड़े बहुत यहाँ पे टैग्स को यहाँ पे रहने देना है। उसके बाद आता है रियूज कंटेंट, यानी कि आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर से कोई भी वीडियो डाउनलोड करी और सीधे ही आपने अपने यूट्यूब चैनल पर उसको अपलोड कर दिया, यानी कि ना तो आपने उस पर जो कोई भी यहाँ पे वॉइस ओवर करा और ना ही आपने कोई भी यहाँ पे फेस कैम करके आपने उस पर कोई भी यहाँ पे रिएक्शन दिया, तो इसको कहते हैं रियूज कॉन्टेंट। तो ये भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं करना है, वरना आपका यूट्यूब चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो आपको भी इसको चेक कर लेना है, अगर आपने कोई भी ऐसी वीडियो यहाँ पे अपने चैनल पर अपलोड करके तो उसको भी यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज़।